भाजपा क्षेत्रीय समिति की बैठक सोमवार को प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल की अध्यक्षता में गोरखपुर क्लब में संपन्न हुआ, जिसके संबंध में क्षेत्रीय प्रभारी व प्रदेश संगठन महामंत्री अनूप गुप्ता ने बताया कि बैठक में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई है। उन्होंने बताया कि तीसरी लहर के मद्देनजर पार्टी द्वारा पोस्ट कोविड सेंटर चलाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा, प्रदेश में 1000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भाजपा के कार्यकर्ता सुदृढ़ बनाने का काम करेंगे, जिससे किसी भी बीमारी से लड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि सब्जी, दूध, ठेला वालों का अभियान चलाकर वैक्सीनेशन कराया जाएगा। इसके अलावा 8000 वैक्सीनेशन सेंटर पर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को वॉलंटियर बनाकर वैक्सीनेशन कराने आए नागरिकों की सुविधा के लिए पानी तथा उनके बैठने का व्यवस्था कराएगी। उन्होंने बताया कि 2022 चुनाव को देखते हुए बूथ को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई है। इस अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय प्रभारी व प्रदेश संगठन महामंत्री अनूप गुप्ता ने कहा, आज यहाँ गोरखपुर क्षेत्र के सभी जनपदों के जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारियों के साथ और क्षेत्र कमेटी के साथ में बैठक थी। उस बैठक में हम लोगों ने आने वाले समय में कोरोना काल के बाद, कोविड के बाद पोस्ट कोविड सेंटर चलाने के लिए निर्णय लिया है। साथ ही साथ प्रदेश के 1000 से ज़्यादा जो PHC सेंटर्स हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, सामाजिक लोग, ऐसे लोगों को गोद लेने की एक व्यवस्था हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसके माध्यम से उन सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ बनाने का काम करेंगे, जिससे आने वाले कभी भी कोई लहर अगली आए उससे पहले हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत कर सकें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाए, इसका एक प्रयास भी हम लोग शुरू किए हैं। तीसरा एक बिंदु हम लोगों ने आज चर्चा किया है कि वैक्सीनेशन ड्राइव में जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कोई सब्जी बेचने वाले हैं, घरों में दूध सप्लाई करने वाले हैं, अखबार बेचने देने वाले हैं, ऐसे जो लोग जिनका घरों तक लगातार जाना आना होता है और ऐसे लोग लगातार अभी वैक्सीनेशन के काम में नहीं जुड़ पाए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अभियान चला करके पार्टी उनको वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन कराने का काम करेगी। साथ ही साथ पूरे प्रदेश के 8000 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को वॉलंटियर के तौर पर लगाने जा रही है, जहां पर वो आने वाले लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने का काम, जल की व्यवस्था, उनके बैठने की व्यवस्था देखने के लिए BJP के कार्यकर्ता भी वहां पर अपनी ड्यूटी 8000 कोविड सेंटर्स पर देंगे। राजनीतिक तौर पर कोई खलबली है नहीं, ये केवल मीडिया की कुछ अपनी ही है उपज, और वो उसी के साथ साथ शांत हो जाती है। कभी चलता है कुछ होने वाला है, कभी चलता है कुछ नहीं होगा, तो ये क्लियरसिटी है। 2022 को लेकर के अभी हम लोग चुनाव प्रबंधन की तैयारी, अपने संगठन के बूथ तक का जो संगठन है उसका सुगठन करने का काम, उसको सुचारू रूप से कैसे व्यवस्थित चलाना है, इसकी चर्चा भी शुरू हुई। पार्टी ने पिछले समय में भी सेवा ही संगठन के नाम से पूरे प्रदेश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही केवल सेवा करते हुए नजर आए हैं। कहीं पर ब्लड डोनेशन का काम करना हुआ हो, चाहे कहीं पर भोजन सप्लाई करने का मामला हो, चाहे पर कहीं पर भी कोई कोविड सेंटर चलाने का मामला हो, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही वह राजनीतिक दल है जिसके कार्यकर्ता इन सभी सेवा कार्यों से जुड़ने का काम किए। आप मीडिया के लोग हैं, आप मीडिया के लोग ट्रायल कर लीजिए, मीडिया ट्रायल, कौन सा राजनीतिक दल, कौन से राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जमीन पर दिखाई देते हैं, आपको पता लग जाएगा।